शाम का समय हो और भूख लगी हो, कुछ समझ ना आए कि क्या बनाएं, तो इसके लिए हम आपके सामने नई रेसिपी लेके आए हैं, इंदौरी पोहे, जो कि बनने में बहुत ही आसान है और खाने में उतने ही मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंदौरी मसाला बनाएंगे। चलो हम गैस स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। उन मसालों में हमने ये सब लिया है, कुछ साबुत लाल मिर्चें, तेज़पत्ता, साबुत धनिया, जीरा, दालचीनी, सूखी हुई अदरक, सौंफ, कुछ लौंग, थोड़ी सी काली मिर्ची। इन सारे मसालों को हम सेकेंगे और हमें इतना ज़्यादा नहीं सेकना है कि ये जल जाएं, बस इस तरह से सेकना है कि हमारे हाथ से जब हम उन्हें मिक्स करें तो हमें इतना ज़्यादा गर्म भी ना लगे कि हमारे हाथ जलें। देखिए दोस्तों, किस तरह से मैं अपने हाथों से मसालों को मिक्स करके सेक रही हूँ। इसका मतलब ये है कि इतने ज़्यादा गर्म नहीं है कि हाथ जलें, बस हमें इतना ही भूनना है। मसाले हल्के भुन चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इन सारे मसालों को ठंडा होने के लिए हम एक प्लेट में रख देंगे। मसाले ठंडे हो गए हैं, एक मिक्सर जार ले लेते हैं और सारे मसाले उसमें हम डाल देते हैं। इनके अंदर थोड़े और कुछ भी मसाले हमें मिलाने बाकी हैं। दूसरे जो मसाले मिक्स करने हैं उनमें है एक बड़ा चम्मच अमचूर, आधा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच हींग और चौथाई चम्मच हल्दी। इन सभी मसालों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से मसाले को ग्राइंड कर लेंगे और पाउडर बना लेंगे। हमारा इंदौरी मसाला तैयार हो चुका है। अब हम पोहे ले लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और फिर धो लेंगे। तो दोस्तों, हमने पोहे को अच्छी तरह से पानी में धोकर भिगो दिया था। अब हम इसके अंदर नमक मिला लेते हैं, साथ में थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे ताकि पोहे में पीला कलर आए। हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। मार्केट वाले पोहे बनाते समय उसमें पीला रंग डालते हैं, लेकिन हम रंग नहीं डालेंगे। अब हम एक स्टीमर ले लेंगे। पोहे को हमें स्टीम में पकाना है। अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर नहीं है तो आप किसी कढ़ाई या बर्तन में कोई छलनी रख कर उसमें पोहे डालकर स्टीम कर लें। पोहे को हमें 10 मिनट तक स्टीम देकर पकाना है और ध्यान रखें उन्हें ज़्यादा हिलाएं नहीं, वरना पोहे टूट सकते हैं। इस तरह से हमने पोहे स्टीमर में डाल के स्टीम होने के लिए रख दिए। 10 मिनट हो चुके हैं और पोहे अच्छी तरह से स्टीम्ड हो चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। दोस्तों, अब चलो पोहे को फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देते हैं और उसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। तेल लगभग हमने 2 टेबलस्पून जितना डाला है। अगर आप चाहें तो इससे भी कम तेल डाल सकते हैं। तेल गर्म होने वाला है और इसके अंदर राई तड़कने के लिए डाल दिए। राई हमने लिए 1/2 टीस्पून। राई अच्छी तरह से तड़क रही है। अब हम इसके अंदर सौंफ डाल देंगे। जी हाँ, सौंफ। इंदौरी पोहे में सौंफ ज़रूर डलती है और आप भी ज़रूर डालिए। कुछ सूखे हुए कड़ी पत्ते, ताज़े हों तो ताज़े डाल दीजिए। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे और इन्हें हल्का सा सेक लेते हैं। मूंगफली हल्की सेक चुकी है, अब हम इसके अंदर कटा हुआ प्याज भी डाल देते हैं। प्याज को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं।
अगर आप तीखापन पसंद करते हैं तो कटी हुई हरी मिर्ची भी शामिल कर लें। हरी मिर्ची को अच्छी तरह से भून लेंगे और टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। अब हम इसके अंदर हींग डालेंगे। हींग हमेशा कंपाउंड हींग यूज़ करें। अब हम इसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल देंगे। आप भले ही मीठा खाना पसंद ना करते हो लेकिन इसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर डलेगी, ये ज़रूरी है, ये टेस्ट को एनहांस करेगा। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दिया। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस ज़रा सा। अब हम इसके अंदर स्टीम किए हुए पोहे भी मिला लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह से हिला के मिक्स कर लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो सारे फ्लेवर अच्छे से नहीं आएंगे। इसके अंदर हमने जो इंदौरी पोहा मसाला बनाया था वो भी थोड़ा डाल देते हैं, इससे बहुत ही गजब का टेस्ट आने वाला है। इंदौरी मसाला इन पोहे की जान है। इसके अंदर नमक भी डालेंगे, लेकिन नमक डालते वक्त ज़रूर ध्यान रखिए कि जब हमने पोहे स्टीम करने के लिए रखे थे तब भी हमने नमक डाला था। पोहे बन चुके हैं, अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। एक बाउल ले लेते हैं, चम्मच भर भर के हम बाउल में पोहे डाल देंगे। अब ऊपर से हम कटे हुए प्याज शामिल करेंगे, थोड़ा कटा हुआ टमाटर भी डालेंगे और ऊपर से इंदौरी पोहा मसाला भी डाल लेंगे। अब हम इसके अंदर बारीक सेव भी मिला लेते हैं। नमकीन आपको जो पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया और इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, पोहे का किंग है नींबू, वो इसमें ज़रूर डालें। नींबू डालने के बाद में पोहे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और इसी तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी देखने के लिए चैनल के होम कुकिंग प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं।